गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम आए हैं ओम जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री, जो कि महाराष्ट्र के मूर्तिजापुर में स्थित है और साथ ही सबसे बड़े कॉटन एंड जिनिंग फैक्ट्री में से एक है। और आज हम यहाँ मिलने वाले मिस्टर अविनाश जी अग्रवाल सर से, जो कि यहाँ के संचालक है, और जानेंगे इन्होंने जो चिराई पावर की ओर से 400 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया है उसके साथ इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। वेलकम सर। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो 400 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया है उसके साथ आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। शुरुआत में जब हमको पता चला कि सोलर जब नए नए मतलब अपने चरम सीमा पे था, लोग लगाना शुरू किए थे, तो हमको ये पता चला है कि रूफटॉप पर भी सोलर होता है। तो हमने इंक्वायरी करना शुरू किया कि हमारे जिनिंग का जो रूफटॉप है, कुछ हमारे भी कुछ ऐसी गैर समझ थी कि शायद जिनिंग के रूफटॉप पर सोलर नहीं लग पाता है। तो हमने 2-3 जगह इंक्वायरी की, कुछ मेरे भी फ्रेंड्स थे सोलर लगाने वाले, और जो चिराई पावर के संचालक है अपने करण जी चोपड़ा, उन्होंने भी मुझे कांटेक्ट किया। तो मुझे ऐसा लगा कि करण जी चोपड़ा के मार्फत अगर मैं आगे बढ़ूँ तो शायद मैं मुझे फ़ायदा होगा। तो मैंने रूफटॉप पर सोलर लगाने की हिम्मत की, और अकोला जिले का मेरे हिसाब से उस समय का वो सबसे बड़ा रूफटॉप पर सोलर था। तो ये सोलर रूफटॉप पर लगने के बाद हमको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि हमारी जगह भी बच गई इसमें, और जो रूफटॉप पर जो हमारे जिनिंग का टेम्परेचर है वो भी 2% से नीचे चला गया, इसलिए हमें ये जिनिंग के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक हुआ, ये हमारा एक्सपीरियंस। जी सर। सर, हमें जानने में खुशी होगी, जब आपने सोलर सिस्टम लगाने का सोचा था तो आपको किन कारणों ने प्रभावित किया था। एक्चुअली क्या होता है, हम जिनिंग प्रेसिंग ऑयल मिल ये एक सोलर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आता है। जी सर। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंडिया में स्ट्रगलिंग है। हाँ सर। जिसका कारण है कि हमको रॉ मटेरियल किसानों से परचेस करना है, उनको उचित भाव देना है, और हमारा माल हमको ऐसे लोगों को बेचना है जो हम जिनको जानते भी नहीं है। तो इसमें हमको अगर हमारे ओवरहेड कॉस्ट कट करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एक बहुत बड़ा कॉस्ट जो होता है, ये एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है हमारे ओवरहेड कॉस्ट का। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अगर कट होती है और विद द सब्सिडी ऑफ गवर्नमेंट, तो ये एक बहुत बड़ा एमएसएमई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको एक बहुत बड़ा सहारा होता है, और ये सहारा हमको बहुत अच्छे से मिला, और हमको डेफिनेटली ये सोलर लगाने से बहुत फायदा होगा। जी सर। सर, आप हमारे क्लाइंट को क्या कहना चाहोगे कि जब भी आपको सोलर सिस्टम में कोई दिक्कत आई है तो हमारी टीम की ओर से उसे कितने समय में सॉल्व किया गया है। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि मेरे 2-3 फ्रेंड्स भी नागपुर है, मुंबई है, सोलर का काम कर रहे हैं, पर जब मैं पहली बार करण चोपड़ा जी से मिला और उनकी टीम को मैंने देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि इस आदमी को सोलर के बारे में जैसे होना चाहिए उससे भी ज़्यादा उनको नॉलेज है, और वो एक प्रकार से इनके थ्रू ही अगर मैं फिट करता हूँ तो नज़दीक होने के कारण भी बोलो, या फिर उनके वे ऑफ वर्किंग, जैसा अगर उन्होंने मुझे बुलाया कि 12 बजे का अपॉइंटमेंट मुझसे लिया है कि मिलने आना है, तो वो 12:15 बजे आ जाते थे, मतलब वो अपने काम के प्रति डिवोटेड थे। तो मैंने उनके मार्फत सोलर लिया, डेफिनेटली उन्होंने उनकी खुद की तो सर्विस थी, उनकी टीम की भी सर्विस अच्छी है, नो डाउट्स सोलर में कुछ प्रॉब्लम आते थे, प्रॉब्लम आए भी है और आना भी चाहिए क्योंकि मशीनरी है, लेकिन प्रॉब्लम पता करने के बाद, उनको मैसेज करने के बाद, उस दिन पॉसिबल है तो उसी दिन, नहीं तो दूसरे दिन उनकी टीम आकर हमारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करती है। और अभी भी सोलर इसी के कारण हमने जो पहले जो सोलर लगाया था उस और भी जो एक्सपांशन किया हमने उन्हीं के थ्रू किया। यस सर। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आज मार्केट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज सोलर सिस्टम को लेकर कंफ्यूज है, तो आप आपके अनुभव के आधार पर उन्हें क्या सजेशन देना चाहोगे। देखिए सर, एमएसएमई में मैं विदर्भ कॉटन एसोसिएशन में भी मेंबर हूँ, विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में भी मेंबर हूँ, और विदर्भ ऑयल मिल एसोसिएशन का भी मैं एक बहुत ज़्यादा एक्टिव मेंबर हूँ। तो जहाँ पर हम मीटिंग अटेंड करते हैं तो वहाँ हमको पता चलता है कि अभी ऑयल मिल, जिनिंग्स, दाल मिल, ये थोड़ा स्ट्रगलिंग है। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हम आते हैं, तो सोलर डेफिनेटली किसी ने भी लगाना चाहिए, सोलर सिस्टम ये समय की नीड है। अभी आप ही देखो कि कुछ सालों पहले यहाँ पर लोड शेडिंग होता था इंडिया में, जब से सोलर्स का प्रभाव बढ़ा है इंडिया में लोड शेडिंग होना बंद हो गया। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ जैसे बढ़ रहा है, जैसे आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी तो नीड हो गई है, ईंधन की कमी बोलो या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत बोलो,
इसके लिए सोलर सिस्टम एक फैक्ट्री वाले ने लगाना यूजफुल है और गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है और गवर्नमेंट का जो भी सब्सिडीज है वो अच्छे से इंक्वायरी कर कर अगर सोलर सिस्टम डाले तो मेरी नज़र में अच्छी कंपनी के थ्रू चिरायु पावर जैसे जो भी एक कंपनी है उनके थ्रू भी अगर अपन सोलर डाले तो अपने को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम आएंगे, बहुत वो फेस नहीं कर पाएंगे, हमको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो उनको कोई भी लोन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, इसमें जो भी कंपनी है वो अपनी सर्विस पूरी देती है और उनको भली भांति वो समझती है। तो मेरी यही राय है कि हर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने सोलर के लिए जाना चाहिए। सर थैंक यू सो मच, आपने जो इतना अच्छे से गाइड किया और हमारे क्लाइंट को भी जो सजेशन दिए हैं सोलर सिस्टम को लेकर, हम आपका शुक्रिया करना चाहेंगे और चिरायु पावर की ओर से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं सर कि आपका और हमारा संबंध ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आपको भी दिवाली की सबको शुभकामनाएं, आपकी भी दिवाली सही खुशमय हो, आप अपने परिवार में सभी सुखी रहे ऐसी मैं ईश्वर से कामना। जी सर, थैंक यू सो मच सर।